असलकम आज की जो वीडियो है वो के जो हमारे लेक्चर से दो तीन ही हुए हैं उसमें एंजाइम्स का जो चैप्टर हमने थोड़ा सा पढ़ा है इंशाल्लाह अब हम अगले वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर नंबर फाइव लिपन कॉट का और इसको हमने जो पढ़ा हुआ है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम वेलोसिटी वहाँ तक हमने पढ़ा है आज हम पढ़ेंगे माइकेलेस मैंटन काइनेटिक्स और इन ताला इसको हम जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो हम बात शुरू करते हैं माइकस मैंटन काइनेटिक्स में इसमें वो क्या बताता है आ, सबसे पहले वो एक रिएक्शन मॉडल देता है उसकी इक्वेशन है फिर उसके अंदर कुछ हमने एज्पन्स किए हैं और उससे हमने कुछ कंक्लूजनस निकाली हैं ठीक है थिक्या? तो इसकी इक्वेशन इस तरह से है कि इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और आगे जो है वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ठीक है अब यहाँ पर डबल एरो है यहाँ पर सिंगल एरो क्यों है ये सारा जो है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के वन है ये के टू है और यहाँ पे के माइनस वन है ठीक है तो सबस्ट्रेट एंजाइम इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इन्जाइम और ये प्रोडक्ट तो इस रिएक्शन मॉडल की बेस पे हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलता है वी मैक्सिमम इनटू सबस्ट्रेट ओवर के एम प्लस सबस्ट्रेट ये हमने इज़ याद करना है इसमें आपको मैं ये मतलब कि डेरिवेशन प्रॉपर है कि ये कैसे ड्राइव हुआ लेकिन हमारे पास जो है वो सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है तो जिस तरह से हमें पेपर में आना है हम उसी तरह से याद करेंगे पहले आपने ये लिखना है फिर आपने ये लिखना है इसमें आपने बताना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ये सबस्ट्रेट है और के एम क्या है के एम है माइकैलिस कॉन्स्टेंट के एम की वैल्यू होती है बी मैक्सिमम ओवर टू ठीक है यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर के एम डिपेंड करता है वो वाली सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन मतलब कि जितना हम सबस्ट्रेट डालते जाएंगे वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी है कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लैक्स बना रहा है और फिर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें प्रोडक्ट चाहिए ना तो ये जिस स्पीड से कर रहा है वो वाली वेलोसिटी है ये तो जितना सबस्ट्रेट डालेंगे उतना ज़्यादा जो है वो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो वाली वैल्यू जब वी मैक्सिमम यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि फिर इंजाइम जो है वो सैचुरेट हो, हो जाता है उससे ज़्यादा तो हम नहीं ना कर सकते जितना मर्ज़ी फिर सब्सट्रेट डालें तो वो वाली वैल्यू जब वी मैक्सीम का हाफ़ हो जाए वो है के एम इसको भी हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है ठीक हो गया फिर उसके बाद के एम की वैल्यू ये तो हो गया ना कि डेफिनेशन वाइज़ क्या है और के एम का फॉर्मूला इस तरह से होता है के एम माइनस वन प्लस के टू ओवर के वन ये बुक में लिखा वैसे मैंने एक जगह देखा था अब हम बात करते हैं कि हमने मैग्यालिस मिनटन कैनिटिक्स में तीन एजम्पशन्स करनी है उसकी बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे तो तीन एजम्पशंस क्या हैं सबसे पहली है रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट या बुक साथ, साथ देखिए मेरे पास तो बुक खुली हुई है लेकिन अब कैमरे में यहाँ पे जो है वो ये देखें ये तीन एजम्पन्स हैं डेलेटि कंसनट्रेशन ऑफ एंजॉयमेंट सबस्ट स्टडी स्टेट एजम्पन और नेक्स्ट पे है इनिशियल वालासटी इन तीनों का मतलब मैं आपको समझाने लगी हूँ पहली वाली मैंने जो आपको बताई है डेलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द इन्जॉयमेंट सबस्टेट इसमें वो कहता है कि सबस्टेट जो है वो सॉरी सबस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्जाइम ठीक है ये हमने ज्यूम किया तो जब इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा वो बहुत थोड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट क्योंकि अगर इंजाइम थोड़ा है जितने इंजाइम होंगे उतने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे ना तो अगर इन सबस्टेट बहुत ज़्यादा और इंजाइम थोड़ा है तो इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्पलेक्स जो है वो थोड़ा बनेगा पहली एजम्पशन होगी रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ द इन्जाइम एंड सबस्ट्रेट दूसरी वो बात करता है स्टडी स्टेट जम्पशन उसमें वो बात करता है कि जितना इंजाइम और सबस्ट्रेट मिल के इंजाइम सब्स्टेट कम्प्लेक्स बना रहे हैं उतना ही इंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी ये रिएक्शन और ये रिएक्शन इक्वल है तो ये जो है वो स्टडी रहता है तीसरा वो बात करता है इनिशियल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी में वो कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमने ये मैयर की है कि हमने जब इन रिएक्शन स्टार्ट किया तब ही मैयर कर ली यानी इन्जाइम और सब्जेक्ट को हमने मिक्स किया एन्जाइम सब्जेक्ट कम्प्लेक्स बना तो हमने इनिशियल वेलोसिटी मैयर कर ली तब जो है वो एनजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो तब बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट बनता है तो इसलिए इतना मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जब बनने लग जाएगा तो फिर ये रिवर्स होगा ना लेकिन तो प्रोडक्ट बहुत थोड़ा बनता है जब हम इनिशियल वेलोसिटी को मैयर करते हैं तो इसलिए हमने ये बैकवर्ड जो है इसका इग्नोर किया ठीक हो गया ये उसके बाद सबसे पहले आपने ये इक्वेशन बताई फिर आपने ये बताया फिर के एम को एक्सप्लेन किया फिर आपने तीन एजम्पशंस बताई अब हम बात करेंगे कि हमने इससे कंक्लूजन्स क्या निकाली हैं तो कंक्लूजन्स हमने क्या निकाली हैं फ्रॉम द माइकेंटन काइनेटिक्स तो हमने एक हमने निकाली है किएम के बारे में दूसरी हमने निकाली है रिलेशनशिप ऑफ द एंजाइम और सब्सट्रेट तीसरा हमने निकाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एम मैंने आपको पहले बताया कि वो वाली वेलोसिटी वो वाली वैल्यू जब वी मैक्सिमम का हाफ हो जाए तो इसमें दो बातें हैं के एम अगर लार्ज हो तो इसका क्या मतलब है के एम अगर स्मॉल हो तो क्या मतलब है तो के एम बेसिकली बताता है कि जो इंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है उनके आपस में अफिनिटी कितनी है ठीक है अफिनिटी ऑफ द इंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट यानी कि जो इंजाइम है उसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है प्रोडक्ट के अंदर अगर इंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अफ़िनिटी बहुत ज़्यादा है यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पाँच हमारे पास इंजाइम थे पाँच हमने सबस्ट्रेट डाले वो पाँचों के पाँचों कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजाइम की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है और हमें थोड़ा सा ही सबस्ट्रेट डालना पड़ा मिन, मिनिमम जितना हम डाल सकते हैं और वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो एफिनिटी इसमें क्या हुई बहुत ज़्यादा हुई तो के एम की वैल्यू जो है वो कम आएगी क्योंकि हमारा के एम बेसिकली सबस्ट्रेट से रिलेटेड है तो सब्सट्रेट तो हमारा बहुत थोड़ा यूज़ हुआ है लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे पास पाँच ही इंजाइम थे हमने पाँच डाले सबस्ट्रेट और दो हुए कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर फिर हम पाँच और डालते हैं फिर दो कन्वर्ट होते हैं फिर हम पाँच और डालते हैं तो फिर एक और होता तो है तो यानी हमने पंद्रह अगर सबस्ट्रेट डाला पाँच इन्जाइम थे तो पांच प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो सबस्ट्रेट हमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ा यानी कि सारा जो सबस्ट्रेट हम डाल रहे हैं सारा का सारा इंजाइम के साथ जो मिल ही नहीं रहा क्योंकि उस एंजाइम के पास सबस्ट्रेट की एफिनिटी बहुत कम है तो सबस्ट्रेट हमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ा है तो के एम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन जो है वो अफिनीटी जो है वो कम होगी और अगर के एम कम है तो अफिनी ज़्यादा होगी ये है कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ के एम नेक्स्ट जो है वो रिलेशनशिप ऑफ़ फिलासटी टू इंजाइम कंसनट्रेशन इसमें है कि जितना इंजाइम हम बढ़ाएँगे वेलोसिटी उतनी बढ़ जाएगी इंजाइम को अगर हम आधा करेंगे तो वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी क्योंकि बेसिकली इंजाइम के साथ ही सब्सट्रेट ने बाइंड करना है तीसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छा इसमें वो बताता है कि अगर हमारे पास के एम की वैल्यू लार्ज है तो सब तो ऑर्डर फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और के एम की वैल्यू अगर स्मॉल है तो ज़ीरो ऑर्डर है ठीक है अगर सब्सिटेट इतना ज़्यादा है कि रिएक्शन वेलोसिटी उसके इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो ज़ीरो ऑर्डर है और अगर जो वेलोसिटी है वो सबस्टेट के फर्स्ट पावर के इक्वल है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो बस इसको याद कर लें अगर इसको समझना है तो मैं यहाँ पर बताती हूँ हमने क्या बात की थी कि के एम ये वाली जो इनिशियल वेलोसिटी हमने लिखी थी बी मैक्सिमम इनटू सबस्ट्रेट वर के एम प्लस सबस्ट्रेट ठीक है अगर हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो बहुत थोड़ा है इतना थोड़ा है कि अगर हम अगर हम बात करते हैं सब्सिटेट जो है वो वेरी लेस बहुत थोड़ा है अगर सब्सिटेट थोड़ा हो तो जारी बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ तो के एम प्लस सब्सिटेट करेंगे तो वो के एम ही की इक्वली आएगा क्योंकि जो है के एम कर जैसे हम करते हैं वन प्लस ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो इसका आंसर हम वन ही लिखते हैं ना राउंड ऑफ करके तो के एम प्लस सब्सरेट भी के एम की इक्वली आएगा गंद मच गया वैसे थोड़ा सा तो वी लॉस्ट इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम इन टू और के एम क्या होता है वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टू होता है ना तो यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू इस तरह से हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा सबस्टेट पावर वन जो कि हम जो है वो रेट ऑफ ट्रैक्शन में नमेरिकल जो टिजट्स है उसको तो देखते नहीं होते तो भी मैक्सीम पावर वन आ गई इसी तरह अगर आप उस को बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो के एम की वैल्यू काउंट नहीं होगी तो इस तरह करके वो आ जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसमें क्यों डेरीवेशन की ज़रूरत नहीं है बस तो आपने याद रखना है कि अगर लार्ज है के एम तो फर्स्ट ऑर्डर है के एम स्मॉल है तो ज़ीरो ऑर्डर है उसके बाद हम जो हैं वो लाइन वीवर बर्क भी यहीं पर देख लेते हैं इसी वीडियो में अच्छा जी वो ये बताते हैं इसमें कि अगर हम आ, जी हमने बात की थी ना कि यहाँ पे था के एम यहाँ पर थी बिलासटी और बिलासटी एंड में मैक्सिमम हो जाती है और वी मैक्सिमम बाय टू जो है वो के एम के इक्वल होते हैं तो अगर हम ये ड्रा करते नहीं तो फिजिबल नहीं रहता क्योंकि मतलब जैसे बढ़ाते जाएँ बिलास इन साइम और सब बढ़ाते रहें तो फिलासटी बढ़ती जाती है तो वो एक पेज के ऊपर ड्रॉ करना फ़िजिबल नहीं होता सिर्फ इसी वजह से तो हमने लाइन वीवर बर्ग प्लॉट लिया इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन भी है है इस तरह से वन ओवर वी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू के एम ओवर वी मैक्सिमम इनटू सब प्लस वन ओवर वी मैक्सिमम तो इसमें जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम लेते हैं वन ओवर वी मैक्सिमम जो वाई इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट पे हम लेते हैं वन ओवर के एम और यहाँ पे जो है वन ओवर सबस्टेड ठीक है तो ए, स्लोप इसकी आएगी के एम ओवर वी मैक्सिमम एक्स इंटरसेप्ट माइनस वन ओवर के एम और वाई इंटरसेप्टिव वन ओवर वी मैक्सिमम बस इसमें यहाँ पे यही समझना है कि क्या चीज़ क्या है आगे जब हम इनहिबिशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में जो है वो लेन लाइन बर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो बस यहाँ पे इसका यही है इसको हम देखें वन ओवर वी नॉट के एम ओवर वी मैक्सिमम था देखें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो एम जो है वो स्लोप होती है एक्स ये आ गया और ये जो है वो सी हो गया तो यहीं तक इसका भी देखते हैं इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में